एक मेंढक था, वो कुएं में रहता था और उसका दायरा जो था वो बहुत लिमिटेड था। एक दिन उसके पास एक मेंढक आया, कहाँ से? एक समुद्र से। तो उस समुद्र से जब वो मेंढक उस दूसरे मेंढक के पास आया तो उसने कहा कि अरे भाई, तुम कहाँ इस कुएं में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, आप मेरे साथ आओ। कहाँ पर? समुद्र के पास। मैं तुम्हें दिखाता हूँ वहाँ पे कितना विशाल पानी है। तो उसने पूछा उस मेंढक से, कितना विशाल? लगा इतना विशाल नहीं। लगा इतना विशाल नहीं, इतना विशाल नहीं। तो उस प्रोसेस में अल्टीमेटली उसका जो पेट था, जो कुएं वाला मेंढक था, उसका पेट फट गया। सो इससे हम क्या शिक्षा लेते हैं? हम देखते हैं लोगों को, लोगों की एक संकुचित लिमिटेड विचारधारा होती है एंड उस विचारधारा के अकॉर्डिंग वो अपने जीवन को जीना चाहते हैं। वो इस विचारधारा से बाहर नहीं निकल पाते, उन्होंने अपने जीवन में अपना एक लिमिटेड दायरा बना रखा होता है। उन्हें लगता है कि शायद उनका जीवन वहीं तक सीमित है, बट वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि हमें जो लिमिटेड थॉट प्रोसेस है, जो हमारा एक सीमित दायरा है, उस दायरे से बाहर निकल के सोचना होगा। क्योंकि भगवान ग्रेट है, भगवान की ग्रेटनेस की कोई लिमिट नहीं है। भगवान को हम लिमिट नहीं कर सकते केवल अपने विचारों से। अगर हम भगवान को समझने का थोड़ा सा भी आइडिया लेना चाहते हैं या भगवान की ग्रेटनेस को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक्चुअली भगवान के विचारों को समझना होगा, जो कि एक विशाल ओशन में पानी के समान है। अगर हम केवल कुएं के मेंढक के स्तर पे सोचेंगे तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। हमें अपने विचारों को एक्सपेंड करना होगा। अपने विचारों को एक्सपेंड करने के लिए हमें भगवान की नॉलेज का शेल्टर लेना होगा। यदि हम अपने जीवन में भगवान की नॉलेज का शेल्टर नहीं लेंगे तो हम कभी भी भगवान के विचारों को नहीं समझ पाएंगे और हम अल्टीमेटली वो जो कुएं वाला मेंढक था, कुएं वाले मेंढक की तरह, जैसे उसका पेट फटा था और वो मर गया था, एक दिन हम सब भी मर जाएंगे अपने लिमिटेड विचारों से। हरे कृष्ण।